नमस्कार साथियों, मैं अजय सेन एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर से और हम देख रहे हैं भारत भ्रमण की सीरीज में सभी राज्यों का क्रम और हम आज देखने वाले हैं पंजाब राज्य को। पंजाब राज्य को भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से और यहाँ की प्रत्येक जगहों को और स्थलों को सबको आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पंजाब के बारे में। देखिए, पंजाब को पढ़ने से पहले हमें एक बात का याद रखना है कि आखिरकार एक पंजाब नाम कैसे पड़ा इस पंजाब का। तो पंजाब नाम पड़ा था यहाँ पर बहने वाली पांच नदियों के कारण। पांच नदियाँ पंजाब की क्षेत्र से बहती हैं और उन्हीं नदियों के क्षेत्र के कारण इसका नाम रख दिया था क्या, पंजाब। देखिए, पंजाब उस नाम में स्पष्ट हो रहा है, पंच मतलब पांच और आब मतलब जल, यानी पांच जल के द्वारा घेरा गया समूह या क्षेत्र, उसे क्या बोलते हैं अपन, पंजाब कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पंजाब के कुछ राजनीतिक माहौल से, या फिर बोल सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से इसको प्रारंभ में यह कैसे राज्य बना और कैसे यह आगे इतने मतलब कि आपके स्वतंत्र भारत के बाद कैसे इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और आज इसकी राज्य की क्या स्थिति है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जो आपके पंजाब के प्रारंभ से लेकर आज तक की दृष्टि को दर्शाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम जब इसके गठन के बारे में चर्चा करेंगे कि पंजाब का गठन कब किया गया था, तो पंजाब का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1 नवंबर सन 1966 में पंजाब को एक अलग राज्य के रूप में क्या किया गया था, गठित किया गया था। देखिए आगे देखेंगे, पंजाब जब राज्य बन गया तो इसकी राजधानी को भी बनाया गया और राजधानी को जब बनाया गया तो वो थी क्या, इसकी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को इसकी राजधानी डिक्लेयर किया गया। देखिए, चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी तो बनाया गया, साथ ही साथ आप देखोगे कि चंडीगढ़ को तीन जगह की राजधानियों का दर्जा प्राप्त है। पहला कौन है, तो पहला है आपका पंजाब और दूसरा है आपका हरियाणा और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका स्वयं वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो भी क्या है आपकी, तो चंडीगढ़ है। चलिए आगे देखते हैं इसका। देखिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अब राजधानी होगी तो हमें पता है भाई कि जब किसी भी राज्य को बन जाने की एक शर्त क्या होती है कि वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था का क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था में जब देखते हैं हम तो राज्यों का जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है कौन, मुख्यमंत्री। तो देखेंगे पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पंजाब के यदि वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उनका नाम है भगवंत सिंह मान। भगवंत सिंह मान को यहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे राज्यपाल, तो राज्यपाल में यदि हम बात करें तो यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित यहाँ की कौन है, वर्तमान राज्यपाल है। देखिए, अब बात करेंगे पंजाब का इतना बड़ा एरिया है तो इसे कितने जिलों में विभक्त किया गया है या कितने यहाँ पर जिले बनाए गए हैं, तो देखिए पंजाब राज्य में कुल मिलाकर 23 जिले बनाए गए हैं। पंजाब राज्य में कुल मिलाकर जिलों की जो संख्या है वो कितनी है, 23 है। और यहाँ देखें कि 23 जिले हैं तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 23 जिलों में आपके पंजाब में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है आपकी 117 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। देखिए, विधानसभा सीटें हैं आपकी कितनी, 117 वाली, उन्हीं में से बात कर दी जाएगी, बताइए विधानसभा सीटों में से वही उन्हीं में से आपकी राज्यसभा के लिए सीटें कितनी है और लोकसभा के लिए सीटों की संख्या कितनी है, तो देखेंगे आपकी राज्यसभा के लिए जो सीटों की संख्या है वो है आपकी 7 और लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो है आपकी 13। देखिए, यहाँ से 13 लोकसभा सीटें निकाली जाती हैं और 7 आपकी कौन है, तो राज्यसभा सीटें हैं। आगे देखेंगे कि देखिए ये देखिए आपने प्रशासनिक दृष्टि से देखा आपने कि यहाँ के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, जिलों की संख्या क्या है। अब देखेंगे कि राज्य में प्रत्येक राज्य का राजकीय पशु होता है और उसी संदर्भ में देखेंगे कुछ अनेक प्रतीक चिन्ह, प्रत्येक राज्य के कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, उन्हीं को देखते हैं। चलिए देखते हैं, यदि प्रतीक चिन्हों की बात की जाए तो राजकीय पशु यानी कि पंजाब का राजकीय पशु क्या है, तो पंजाब का राजकीय पशु है आपका काला हिरण। जी हाँ भाई, भाई वाला काला हिरण जिसके विवाद में सलमान खान को जेल होते होते बची थी या फिर जेल हो ही गई थी उसको, वही वाला काला हिरण। देखिए, काला हिरण आपका घुंघराल है, यानी कि देखिए कैसे मोड़दार सिंहों के लिए जाना जाता है, उसके जो सिंह होते हैं ऐसे होते हैं मोड़दार सिंह होते हैं और उसी के लिए इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। उसके सिंह को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में काले हिरण का शिकार किया जाता है। देखिए, इंसान बहुत ही स्वार्थी है, अपने साजो सज्जा के लिए किसी जानवर को, बेजुबान जानवर को बिना किसी रहम के मार देता है। अरे देखिए, ये तो
उसने आपके बहुत विशालकाय जानवरों को ही मात्र छोटे से छोटे आभूषण के लिए बोल सकते हैं, उनके वस्तु के लिए उनका क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। जैसे कि हाथी के मात्र दांत के लिए उसको इतने विशालकाय जानवर को मार दिया जाता है। और बात करें एक सिंह वाले गैंडे की, तो गैंडे को ही उसके सिंह के लिए मार दिया जाता है। और ये बात हमें बहुत जल्दी समझनी होगी कि देखिए पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव के लिए जीवन वही है जो हमारे लिए, और सभी को जीने का अधिकार है। देखिए दुर्लभ जीव है, बेजुबान जानवर है, ये ना तो कुछ बोल पूछ सकते हैं ना ही कुछ कह सकते हैं। देखिए अपने लिए वो भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हम वो बता सकें कि हमारे पास कौन कौन से दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो काला हिरण आपका राजकीय पशु है कहाँ का, तो पंजाब का। और बात करें यहाँ का राजकीय जलीय जीव कौन सा है, जलीय पशु कौन सा है, जीव, सॉरी यहाँ पर पशु है, जीव करते हैं यहाँ पर, जलीय जीव है आपका सिंधु डॉल्फिन। और अभी बात की जाए कि बताइए भारत का जलीय जीव कौन सा है, तो भारत के जलीय जीव के संदर्भ में यदि बात की जाए तो भारत का जलीय जीव है आपका कौन सा, गंगा डॉल्फिन, जो कि आपका ब्लैक कलर का होता है। और यदि बात की जाए कि पंजाब का आपका जो जलीय जीव है उसे कैसे बताया गया, तो वो है आपका कौन सा, सिंधु डॉल्फिन को। सिंधु नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है वो आपकी पंजाब की कौन सी है, तो जलीय जीव है, यह लाल कलर की होती है। अब आगे बात करते हैं पर राजकीय पक्षी की, पंजाब का राजकीय पक्षी कौन है, तो देखिए भाई पंजाब का जो राजकीय पक्षी है वो है बाज। बाज यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। बाज पंजाबियों में या सिखों में एक बहुत बड़ी कहावत है, बहुत ही फेमस कहावत है जिसको बोलते हैं, वो बाज के ऊपर ही बनाई गई होगी। देखिए क्या था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, जिन्होंने सभी सिखों को लड़ने के लिए प्रेरित किया था, उन्होंने एक सैनिक बल दिया था, उन्होंने अपने सिख भाइयों के लिए एक बहुत ही जोश पूर्वक एक वाक्य कहा था। और उन्होंने कहा था कि देखिए जब उनकी सेना क्या हो रही थी, डिमोटिवेट हो रही थी, यानी कि जो उनके जो सिख भाई थे वो क्या कर रहे थे, लड़ने के लिए मना कर रहे थे या फिर लड़ने से हिचक रहे थे, तो उनके लिए क्या किया गया था, एक जोशपूर्ण उनके द्वारा एक वाक्य कहा गया था। और कहा गया था कि देखिए बाज के ऊपर कहा गया था, उनके द्वारा कहा गया था कि चिड़िया नू मैं बाज लड़ा और गीदड़ नू मैं शेर बना। मतलब कि देखिए चिड़िया से वो कौन लड़ा रहे हैं, बाज को लड़ा रहे हैं। मतलब कि देखिए खुद मतलब वो अपने आप को बता रहे हैं कि चिड़िया है, लेकिन हम किससे लड़ेंगे, बाज से लड़ेंगे। और गीदड़ नू मैं शेर बना, मतलब कि यदि कोई हमारा सिख भाई कोई गीदड़ मतलब कमजोर है तो उसको हम क्या करेंगे, शेर बनाएंगे। देखिए कहा था उन्होंने कि चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, और 125,000 से 1 लड़ावा। मतलब सोचिए आप कितना जोश पूर्वक या जोशपूर्ण उन्होंने द्वारा ये वाक्य कहा गया था कि 125,000 से 1 लड़ावा और तब गुरु गोविंद सिंह कहलावा। बहुत ही जोशपूर्ण ये वाक्य रहता है, और आज भी हमें देखने को मिल जाता है जब सिख रेजिमेंट, जब हमारी आर्मी में सोल्जर जो सिख रेजिमेंट होता है उसमें जब क्या होता है, जब किसी भी सेना को किसी स्ट्राइक पर भेजा जाता है, युद्ध अभियान पर भेजा जाता है, तब उनके द्वारा ये सारे के सारे वाक्य कहे जाते हैं, जिससे कि क्या हो, सिख भाइयों में जोश फिर से उत्पन्न हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ का यदि बात की जाए राजकीय वृक्ष के बारे में, तो राजकीय वृक्ष क्या है, तो यहाँ का राजकीय वृक्ष यहाँ पर शीशम को डिक्लेयर किया गया है। और बात करेंगे यहाँ पर कि राजकीय पुष्प किसे बनाया गया है, तो राजकीय पुष्प में है आपका कौन सा, स्वायड लिली। स्वायड लिली आपका एक प्रकार का झाड़ी नुमा आकार में उगने वाला एक पौधा होता है, उसी में खिलता है एक फूल, और कौन सा आपका, स्वायड लिली। आगे देखते हैं यदि बात की जाए कि पंजाब की राष्ट्रीय सॉरी राजकीय नदी कौन सी है, वो है आपकी सतलुज। सतलुज नदी पंजाब की राजकीय नदी है, और सतलुज नदी को ही पंजाब की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात करें कि पंजाब की राजकीय भाषा क्या है, तो पंजाब की राजकीय भाषा है आपकी कौन सी, पंजाबी। देखिए पंजाबी भाषा को जो बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है गुरु अर्जुन देव को। इनके द्वारा क्या किया गया था कि गुरुवाणी दी गई थी, क्या दी गई थी, गुरुवाणी दी गई थी, और वही थी आपकी कौन सी, पंजाबी थी। और इन्होंने ही इस लिपि का आविष्कार किया था गुरु अर्जुन देव द्वारा, जिसे हम आज पंजाबी भाषा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम यदि कि बताइए पंजाब राज्य का लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो देखते हैं यहाँ का। तो सेक्स रेशियो की यदि बात की जाए तो यहाँ का सेक्स रेशियो या लिंगानुपात है आपका 895 प्रति महिला
1000 पुरुष, मतलब कि यदि बात की जाए कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं हैं। अब बात करेंगे जल घनत्व की। जल घनत्व यहाँ का जो आपका है वो है आपका 551 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर के एरिए में यहाँ पर कितने 551 व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं। चलिए आगे देखेंगे राज्यसभा सीटें, हम देख चुके हैं कि कितनी आती है यहाँ से, तो 7 आती है। लोकसभा सीटें भी देख चुके हैं कि यहाँ से कितनी आती है, तो 13 आती है। अब बात करें यहाँ पर साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर यहाँ पर कितनी है, तो 75% तक आती है। अब देखिए 75% तक यहाँ की साक्षरता दर है। अब बात करते हैं यहाँ की कि उच्च न्यायालय यहाँ का कहाँ बनाया गया है, उच्च न्यायालय कहाँ है, तो इसका और हरियाणा का, देखिए पंजाब का और हरियाणा का संयुक्त रूप से एक ही उच्च न्यायालय है, वो है कौन सा आपका, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। चलिए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, यही दोनों ही, यानी कि हरियाणा का और पंजाब का दोनों का संयुक्त रूप से यह न्यायालय बनाया गया है। चलिए आप बात करते हैं, देखिए पंजाब का नाम पंजाब कैसे बना, पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा, ये हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा। तो हमें पता है कि यहाँ पर 5 नदियों का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिस आधार पर इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया है, पंजाब रख दिया गया है। अब यदि बात की जाए कि पंजाब आपका किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो यदि हम बात करेंगे पंजाब किन किन राज्यों से, तो हम देखेंगे कि उत्तर की तरफ यदि बात की जाए तो ये करता है किससे, जम्मू कश्मीर से। जो आपका पंजाब उत्तर की तरफ सीमा बनाता है वो बनाता है आपका जम्मू कश्मीर से। और यदि हम बात करें कि दक्षिण की तरफ जो सीमा बनाता है वो बनाता है आपका, देखिए दक्षिण की तरफ बनाता है डायरेक्ट आपका हरियाणा से। और यदि बात की जाए कि पूरब की तरह किससे सीमा बनाता है, तो पूरब की जगह यदि बात की जाए तो ये बनाता है आपका किससे, हिमाचल प्रदेश से, HP। और यदि बात की जाए कि आपका पश्चिम की तरफ है, कौन से राज्य से या कौन से देश से सीमा छीता है, तो वो छीता है कौन सा आपका भाई, पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ यह क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। अब देखिए ये तो हमने देख लिया चारों दिशाएं, अब बात करें कि आपके और कौन से राज्य हैं जिनके साथ पंजाब सीमा साझा करता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा, राजस्थान, यानी कि आरजे यानी राजस्थान के साथ भी क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। और इधर आदि बात की जाए तो यहाँ कौन सा मिलेगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा देखने के लिए हिमाचल प्रदेश, और ये रहा आपका, नहीं नहीं बस इतना ही, 5 आपके क्या है, राज्य है आपके, कितने 5 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। आपका एक और देखने को मिल जाएगा जो कि आपका यहाँ पर, वो है आपका यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के साथ भी पंजाब क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए कितने हो गए, तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 जगहों के साथ, यानी कि 5 राज्यों और एक देश के साथ पंजाब अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं, यदि हम बात करें यहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में कि यहाँ पर प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, तो प्रमुख स्थानों में सबसे पहले हम देखेंगे कि अमृतसर। जी अमृतसर आपका सबसे मोस्ट हो जाता है पंजाब क्षेत्र की दृष्टि से, पंजाब क्षेत्र में क्यों हो जाता है, क्योंकि अमृतसर वह जगह है जहाँ से हमें कई सारी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, और कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट हो जाती है। जैसे कि हम बात करें अमृतसर के, अमृतसर जगह सन 1919 में एक घटना घटी थी, कौन सी घटना घटी थी सर, वो घटना थी आपकी जलियावाला बाग हत्याकांड। अब सर जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किसने किया था, और क्या इसका कारण रहा था, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए जलियावाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसके पीछे की यदि हम बात करें, घटना की बात करें, तो ये हुआ क्यों था, ये घटना क्यों हुई थी, देखिए क्या हुआ था। सन 1919 में क्या होता है, आपका एक एक्ट पारित किया जाता है, या एक अधिनियम आता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया जाता है, उसका नाम था आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट आपका अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता था, बिना किसी व्यक्ति को उसको शक के बिना पर, यानी कि उसको क्या है, केवल मात्र क्या है, उस पर शंका है, उसके आधार पर क्या लिया जाता था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब गिरफ्तार कर लिया जाता था तो ठीक था, लेकिन क्या था इसमें, ना तो कभी, देखिए इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का भी कानून कहा गया है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता था, तो उसे अपने पक्ष में
सुझाव देने के लिए, अपने पक्ष के बचाव के लिए ना तो वकील दिया जाता था, ना ही इसमें कोई दलील होती थी, ना ही इसके लिए कोई अपील की जाती थी। इसलिए क्या होता है, देखिए वही टाइम चल रहा था और क्या हो रहा था कि 1919 में ही आपके क्रांतिकारियों में से दो महान नेताओं को क्या किया गया था, बंदी बना लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। इनका नाम था शमसुद्दीन किलचू और आपका एक थे खान जी थो कोई। इन दो महान नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इन दोनों की गिरफ्तारी को या इन दोनों की गिरफ्तारी को ही बात करने के लिए, गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में आम जनता द्वारा क्या की गई थी, एक सभा का आयोजन किया गया था। आम सभा का जब आयोजन हो रहा था तो क्या होता है कि एक व्यक्ति द्वारा अंग्रेज सरकार को या अंग्रेज जनरल जनरल ओ डायर को इसकी सूचना दे दी जाती है और बता दिया जाता है उसको कि भाई आम जनता इस विरोध में आपके आप यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ सभाएं लगा रहे हैं और वो जलियांवाला बाग में लगा रहे हैं। तो इतना सुनते ही क्या होता है, वो डायर जो कहते हैं जनरल ओ डायर, उनके द्वारा जनरल आर डायर को आदेश दे दिया जाता है कि जाइए आप और जलियांवाला जो आपका बाग है उसमें सभा लगा रहे क्रांतिकारी या आम जनों को क्या कीजिए, रोकिए। लेकिन देखिए आर जनरल डायर जो गया था उसने बिना किसी को इत्तला किए या बिना किसी को बताए क्या करता है, वो बाग के यानी जलियांवाला बाग के सारे जितने भी निकासी द्वार थे उन पर अपनी सेना तैनात कर देता है, बिना किसी सुझाव दिए या फिर बोल सकते बिना कोई संकेत दिए अंधाधुंध गोलियां चला देंगे। और उसमें जलियांवाला बाग में रह रहे निहत्ते व्यक्ति जो कि जिसमें बूढ़े बच्चे औरतें और पुरुष सारे के सारे थे उन पर बिना किसी रोक टोक के गोलियां चला दी गई और सारे के सारे व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं कि यह इतना बीभत्स दृश्य हो गया था यानी इतना भयंकर वाला कांड हुआ था है, इतनी बड़ी घटना थी कि इस घटना से आघात होकर महात्मा गांधी जी द्वारा अपनी सर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा और नाइटहुड की उपाधि क्या दी गई थी, उतार मतलब वापस कर दी गई थी अंग्रेज सरकार को। देखिए नाइटहुड की उपाधि इन्होंने कर दी रविंद्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी जी ने, दोनों ने अपनी उपाधियां लौटा दी अंग्रेजों को। लेकिन देखिए यहां तक यह सीमित नहीं हुआ, यह जो घटना थी इतना आघात हुआ कि इसके लिए देखिए क्या हुआ, जब अंग्रेजों को बोला गया इनके ऊपर रिपोर्ट बैठाने का कहा तो इसके ऊपर एक कमीशन लाया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जब आया यहाँ पर तो हंटर कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें क्या किया, इसमें जनरल ओ डायर को सही ठहराया और कहा गया कि जनरल ओ डायर ने जो निर्णय लिया था उस समय वो सही था और उसे इंग्लैंड में जाकर पुरस्कृत किया। अब देखिए जनरल ओ डायर को क्या किया गया कि इसको सही घोषित किया गया कि उसने सही किया और उसको पुरस्कृत किया जा रहा था इंग्लैंड में। ऐसी घटना या इसी बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सरदार ऊधम सिंह। सरदार ऊधम सिंह वह व्यक्ति था जिसके द्वारा इंग्लैंड में जाकर जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी घटना से आघात हुआ, आगे उसकी हम जानकारी देंगे। थोड़ा देखिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं तो अमृतसर का जो एक घटना थी वो थी कौन सी, आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें हमने देख लिया है कि भाई किस तरीके से जनरल ओ डायर द्वारा क्या किया गया था, आदेश दिया गया था और निहत्ते व्यक्तियों पर गोलियां चला दी गई थी। देखिए दूसरा है आपका बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर क्या है, बाघा बॉर्डर आपका पंजाब और पाकिस्तान के बीच का क्या है, एक बॉर्डर सीमा है जिसमें क्या होता है आपका प्रत्येक राष्ट्रीय दिवसों पर यानी कि आपके 26 जनवरी या 15 अगस्त पर यहाँ पर दोनों देश की सेनाओं द्वारा क्या की जाती है, परेड दी जाती है। वो देखा होगा आप लोगों ने ज्यादातर परेड जो होती है जो जूता सर तक लाते हैं अपना, वही वाली परेड कहाँ दी जाती है, तो आपकी बाघा बॉर्डर पर दी जाती है। तीसरा है आपका कौन सा, फतेहपुर भुज। फतेहपुर भुज है क्या, देखिए फतेहपुर भुज आपका आपने नाम सुना होगा एक व्यक्ति का जिनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर की स्मृति में ये कहते हैं कि फतेहपुर जो जगह है, फतेहपुर भुज जो जगह है वहां पर बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया था अंग्रेजों द्वारा और उसी जगह पर क्या हुआ था, उन्हीं की स्मृति में एक भुज का निर्माण कराया गया था या बोल सकते हैं गुम्मद का निर्माण कराया गया था, उसी को बोलते हैं क्या, फतेहपुर भुज। तीसरा है, चौथा है आपका करतारपुर साहब। करतारपुर साहब, करतारपुर साहब वह जगह है जहां पर आपके गुरु नानक देव गोविंद सिंह ने अंतिम सांसें ली थी, मतलब कि यहीं पर क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद साहब, उनकी क्या हो जाती है, करतारपुर में क्या होती है, मृत्यु होती है और वहीं पर उनके नाम पर क्या बनाया गया, एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया जिसका नाम है करतारपुर साहब के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए पटियाला। पटियाला
इतना फेमस है दो चीजों के लिए? अच्छा, पटियाला पैक नहीं? नहीं भाई, पटियाला पैक नहीं है आपका, पटियाला पैक भी पैक के नाम से बनाया जाता है। देखिए, पटियाला आपका फेमस है इसलिए कि पटियाला सूट के लिए फेमस है और यहाँ पर वस्त्र उद्योग के लिए ज्यादा फेमस है आपका। चलिए, पटियाला और लुधियाना और जलंधर, ये तीन जगह ऐसी हैं पंजाब में जहां पर आपके वस्त्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं, लुधियाना। लुधियाना, लुधियाना यह है पंजाब का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। यदि क्वेश्चन बनेगा तो बताइए पंजाब का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है आपका कौन सा? लुधियाना। सातवां है आपका सराय नूर महल। सराय नूर महल क्या है? देखिए सुनिए, सराय नूर महल है आपका नूर जहां के लिए बनाया गया एक महल जिसे आपका नूर का महल कहा जाता है। ये आपका पंजाब में पड़ता है। देखिए, यह जहांगीर द्वारा अपनी पत्नी नूर जहां के लिए बनाया गया था। देखिए, नूर जहां शाहजहां की पत्नी, सॉरी जहांगीर की पत्नी थी, उसी के लिए क्या बनाया गया था पंजाब में? नूर महल का निर्माण किया गया था। देखिए, नूर जहां का नाम तो सभी जानते होंगे, नूर जहां आपकी जहांगीर की क्या थी? पत्नी हुआ करती थी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपका काफी प्रसिद्ध जगह है, इतनी फेमस जगह है चंडीगढ़। देखिए, चंडीगढ़ को जो बसाने वाले व्यक्ति थे, यानी कि जिसने चंडीगढ़ का क्या किया था, निर्माण किया था, उनका नाम था, एक मिनट, कहाँ गया, चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़।